खबर बांदा जनपद से जहां बबेरू कस्बे में साधन सहकारी समिति में खाद को लेकर किसान परेशान है, लेकिन सचिव व कर्मचारियों के बदौलत किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही। मजबूर में किसानों को महंगी खाद खरीदने को मजबूर है, जिनकी समस्या को लेकर विश्व हिंदू महासंघ व किसानों ने मिलकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूरा मामला बबेरू तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां पर विश्व हिंदू महासंघ एवं किसानों ने खाद की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी सौरभ शुक्ला को ज्ञापन दिया है। वह बताया कि जो साधन सहकारी समिति मुरवल में खाद वितरण में घोर धांधली की जा रही, किसानों को निर्धारित मूल्यों से अधिक दामों पर खाद बेची जा रही, महंगे दामों में बेचने का विरोध करने वाले किसानों को खाद नहीं दी जाती है, जिससे किसान परेशान है और महंगे दामों में खरीदने को मजबूर है। सहकारी समिति के सचिव व कर्मचारी जो ट्रक की खाद आती व ब्लैक कर लेते हैं, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सचिव और कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आज विश्व हिंदू महासंघ एवं सहकारी समिति अध्यक्ष ओमकार सिंह किसानों के साथ पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ मंडल प्रभारी शिव विलास शर्मा, अमन साहू, योगेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, राममिलन सिंह, जयप्रकाश सिंह, रामराज, राधेश्याम यादव, रामराज नारायण भोला, अजय द्विवेदी, वेद प्रकाश से, धीरेन सिंह, अर्जुन सिंह, गंगा बाबू सहित लगभग 2 दर्जन पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। बांदा जनपद से कमलेश चौरसिया की। आज किसानों के साथ यहाँ पर आकर ज्ञापन दिए हैं, किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है? सहकारी समिति ग्राम मुरवल में खाद की सरेआम कालाबाजारी की जा रही है, किसानों को खाद महंगे दाम में खरीदने के लिए वहाँ मजबूर है। जो निर्धारित रेट है 266.50 रुपये, तो सहकारी समिति के सचिव से लेकर के कर्मचारी तक 300 से 350 रुपये में खाद सरेआम बेच रहे हैं। वहाँ के सचिव और कर्मचारी कई बार ट्रकों खाद ब्लैक किया, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शिकायत भी किया, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। किसानों की समस्याओं को लेकर के विश्व हिंदू महासंघ ने आज SDM को ज्ञापन दिया है कि सहकारी समिति के भ्रष्ट कर्मचारी और सचिव पर कार्रवाई नहीं होती तो किसानों के साथ विश्व हिंदू महासंघ सहकारी समिति का घेराव करेगी, और जब तक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं तब तक हम सहकारी समिति में ताला डालने का काम करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होती हम SDM का भी घेराव करने के लिए मजबूर हो जाए। शुभ नाम? शिवलाल शर्मा, विश्व हिंदू महासंघ मंडल प्रभारी, चित्रकूट धाम। नाम है आपका? ओमकार सिंह पटेल, रगौली। रगौली से आए हैं जी। किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए थे? सोसाइटी अध्यक्ष मुराव जी, हम खाद के बारे में आए। क्या समस्या हो रही है खाद में? जो है मैं कई बार उच्च अधिकारियों से कहा कि खाद यहाँ ब्लैक में दी जा रही है। अच्छा। उन्होंने हमसे कहा, फ़ोन से जानकारी किया, उन्होंने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है। हमने कहा यहाँ किसान लाइन में खड़ा है, किसान यहाँ एक एक दो दो बोरी के लिए परेशान है, कहीं मोरहा में बेचते हैं, कहीं आहार में बेचते हैं, और इसका वीडियो भी बना हुआ है। अच्छा। कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा। की जा रही। अच्छा। और हमारे यहाँ कई बार मैं इनको अवगत कराया कि यार ये खाद ये ब्लैक में नहीं, किसानों को दी जाए। अच्छा। किसानों ने न दे करके मोरहा और आहार में ब्लैक करके सब ब्लैक कर रहे हैं। फिर आज सचिव और ये सब मिल के यार सब इसमें शामिल है। फिर आज कहाँ पर शिकायत की आपने? आज हमने SDM साहब के यहाँ। तो क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा कि जो है आराम से आप, हमने ठीक है आपकी ले लिया, हम इसकी जांच करके आपको कार्रवाई का आश्वासन। क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह पटेल, रगौली निवासी। नाम है आपका? गंगा बाबू क्रांतिकारी। कहाँ से आए हो? मुरवल से आए हैं। ये यहाँ पर आए हो आज SDM कार्यालय, किस समस्या को लेकर आए थे यहाँ? श्रीमान जी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि खाद के लिए किसान बहुत परेशान है। ये मुरवल साधन सहकारी समिति में खाद, वहाँ के जो भी सचिव और कर्मचारी हैं, खाद बहुत परेशान करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ट्रकों का ट्रक खाद ब्लैक करके, और किसान परेशान होता है, महंगे दामों पर ब्लैक में उसको लेने के लिए परेशान होना पड़ता है। अच्छा। तो आज कहाँ पर आए हैं? हम आज उपजिलाधिकारी महोदय जी के साथ हो, यानी करीब 2-3 दर्जन किसान यहाँ बबेरू आए हैं, तो ताकि उनको हम अवगत करा सके इस समस्या से। अच्छा। तो SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया है? SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर हम जल्द ही कार्रवाई करके और कोई ठोस निर्णय लेंगे। क्या नाम है आपका? गंगा बाबू क्रांति।